फिर चला जमशेदपुर के सांची में अच्छेस का बुलडोजर। नक्शा बिचलन कर बने अवैध पार्किंग के खिलाफ एक्शन में अच्छेस। भवन के मालिकों को अल्टीमेटम, जल्द कराए पार्किंग निर्माण, जारी रहेगी कार्रवाई। जमशेदपुर सांची इलाके में एक बार फिर से अच्छेस ने दबिश दी, जहां बड़े बड़े व्यावसायिक बिल्डिंग के पार्किंग स्थलों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया गया और कई स्थानों पर बुलडोजर लगाकर निर्माण को तोड़ दिया गया। बता दें कि विगत दिनों जमशेदपुर के सांची इलाके में 45 बिल्डिंग मालिकों को पार्किंग स्थल का इस्तेमाल पार्किंग के लिए कराए जाने से संबंधित नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अब तक केवल 15 ही ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने इस निर्देश को मानते हुए वहां संचालित हो रहे व्यावसायिक गतिविधि को बंद कर पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। बाकी प्रतिष्ठानों के कान में अब तक जू तक नहीं रहेंगी। इसके खिलाफ अच्छेस ने शनिवार को फिर से अभियान चलाया। इस दौरान कई बिल्डिंग के समीप बने पार्किंग स्थल के अवैध व्यावसायिक निर्माण पर बुलडोजर भी चला। अच्छेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि यह अभियान लगातार चलेगा। जिन बिल्डिंग के निर्माण के मैप में पार्किंग स्थल का जिक्र है, उन्हें किसी भी सूरत में बेसमेंट में पार्किंग स्थल बनाना होगा। जो खुद से इसका निर्माण करेंगे उन पर कार्यवाही नहीं होगी, और जो इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ऐसे अपार्टमेंट या ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग को मैंने नोटिस दिया था उसके ओनर को, जहाँ पे नक्शा में पार्किंग दिखाया जा रहा है लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करके उसको पार्किंग में परिवर्तित करने के लिए मैंने नोटिस दिया था। शुरू में मैंने 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के बाद कोई उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर मैंने 72 घंटा का फिर समय दिया और मैंने बोला कि आप इसको हटा लें, नहीं तो हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी खर्चा आएगा आपसे वसूला जाएगा। ये नोटिस मैंने इनको पहले ही दे चुका है। उसके बाद कुछ लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से हमको ये सूचना दी, 46 में से 15 व्यक्तियों ने, कि मैंने पार्किंग स्पेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मैंने बंद कर दिया है। तो ऐसी जो भी सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मैंने एक अलग टीम का गठन किया है और वो टीम जो है उनकी बातों की सत्यता की जांच कर रही है। अभी मैं आज से निकला हूँ इस अभियान में कि ऐसे लोग जिनके कान में जू नहीं रेंग रहा है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपने अभी सामने देखा मैंने कुछ स्पेस को तोड़ा है और बाकी उनके इनर पार्ट को तोड़ने के लिए मैंने उनको समय दिया है। वो खुद तोड़ लें, नहीं तो अगले बार मैं आऊँगा तो उसको पूरा तोड़ दूँगा। तो मैंने एक शुरू में इनिशियल अपना एक्टिविटी उनको बता दिया है कि आप कानून से ऊपर नहीं है, कानून जो भी आपको कानून के अनुसार आप काम करें और बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आप काम करें। अगर आपको पार्किंग स्पेस के लिए नक्शा पास किया गया है तो पार्किंग स्पेस के रूप में इसको यूज करें। अभी जिस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं इनके सामने ही इनके ऑनर के नक्शा मंगा के मैंने इनको समझाया है कि जो पार्किंग स्पेस है उसको पार्किंग के रूप में आप यूज़ करें। अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो 48 घंटा के अंदर इसको खाली करें। तो ये एक्टिविटी अभी चलेगी और अभी 46 को मैंने दिया है, तो ये 46 द एंड नहीं है। इसके अलावा भी नई सूची तैयार हो रही है। जो भी ऐसा काम कर रहे हैं सब दंडित होंगे और जो स्वयं काम कर लेंगे अच्छी बात है, वो स्वयं काम नहीं करेंगे तो कानून का डंडा उनके ऊपर चलेगा। आज कितने बिल्डिंग में कार्रवाई होगी? देखिए कहना बड़ा मुश्किल होता है, संख्या निश्चित करके हम लोग नहीं आते हैं और समय निर्धारित करके नहीं आते कि एक बिल्डिंग में मैं आधा घंटा समय दूंगा, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जब तक आज हम घूम पाए आज नहीं घूम। सर, सर कुछ सवाल क्यों कि ये लगातार क्यों नहीं इसका ये